पैरामिसम का इन्फ्रासीलरी तंत्र अर्थात न्यूरोमोटर सिस्टम, जिसे हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र है, ऐसे ही इनके शरीर में न्यूरोमोटर सिस्टम पाया जाता है या इन्फ्रासीलरी तंत्र पाया जाता है। किस अंग को किस प्रकार से कितनी तेज चलाना है, जैसे हम तंत्रिका तंत्र के द्वारा इसको नियंत्रित करते हैं, ऐसे ही पैरामिसम जो है इन्फ्रासीलरी तंत्र के द्वारा सीलियाओं की गति को नियंत्रित करता है। ठीक है, कौन से सीलिया जोर चलेंगे, कौन सी धीरे चलेंगे, कौन सी दिशा में चलेंगे, ये सब जो है इन्फ्रासीलरी तंत्र कार्य करता है। अब इसकी संरचना क्या होती है, देखिए इन्फ्रासीलरी तंत्र की, जैसे ये पैरामिसम हो गया और इस तरीके से इनमें ये तंतु पाए जाते हैं, धागे नुमा संरचना ये पाई जाती है, इस तरीके पूरे पूरे पैरामिसम में पाई जाती है, इस तरीके से है? इस तरीके से पूरे जो है पैरामिसम में धागे नुमा संरचना पाई जाती है, इनको हम काइनेटोडेज्मा बोलते हैं। क्या कहते हैं इनको, यह काइनेटोडेज्मा। और इन पर छोटे छोटे बिंदु जैसे पाए जाते हैं, उभार जैसे पाए जाते हैं, इस तरीके से इनको क्या कहते हैं, काइनेटोसोम कहते हैं इनको, काइनेटोसोम। ठीक है, मुख्य रूप से यही संरचना पाई जाती है। देखिए प्रत्येक रोमाभ तनत्व पर एक आधार कण से निकला होता है, जिसको हम काइनेटोसोम ही कहते हैं। इसे ये जो पॉइंट जैसे संरचना दिखाई देता है, इन्हीं से जो है क्या है, इन्हीं से सीलिया निकलती है, इस तरीके से बाहर की ओर है, इस तरीके से इन्हीं से सीलिया निकलती है बाहर की ओर। तो ये क्या है, आधार कण है, या इनको काइनेटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, काइनेटोसोम कहते हैं। आधार कण पंक्तियों में लगे रहते हैं, पंक्तियों में ही तो लगे हैं, और इन पंक्ति संरचना को क्या बोलते हैं, काइनेटोडेज्मा कहते हैं। ठीक है, इन तंतुओं को क्या कहते हैं, काइनेटोडेज्मा कहते हैं। आधार कणों की पंक्ति तथा उनसे संबंधित काइनेटोडेज्मा की इकाई को काइनेटी कहा जाता है। अब देखिए ये आधार कण हो गए या काइनेटोसोम हो गए हैं, और ये काइनेटोडेज्मा हो गया। ठीक है, इन दोनों को मिला करके एक इकाई हो गई, एक इकाई हो गई ना, इसको नियंत्रित करने के लिए इसको काइनेटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, काइनेटी। अच्छा, काइनेटी में समझे क्या है, काइनेटोडेज्मा और काइनेटोसोम को मिला करके क्या कहेंगे, काइनेटी कहेंगे। तो ये एक इकाई हो गई, काइनेटी क्या हो गई, एक इकाई हो गई, किसकी, काइनेटोडेज्मा की एक इकाई हो गई, जिसमें काइनेटोसोम भी है और काइनेटोडेज्मा भी है। सीलिया की इस व्यवस्था को ही इन्फ्रासीलरी तंत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्था क्रम को ही क्या कहते हैं, इन्फ्रासीलरी तंत्र कहते हैं, या न्यूरोमोटर सिस्टम कहते हैं। इस तंत्र के द्वारा ही सीलिया के मध्य समन्वय कोऑर्डिनेशन जो है वो तैयार होता है, मतलब प्रत्येक सीलिया जो है एक दूसरे से संबंधित रहती हैं, इस व्यवस्था के द्वारा ही प्रत्येक सीलिया एक दूसरे से संबंधित रहती, समझ गए, कि जितनी भी सीलिया हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई ना। तो जंतुओं के विभाजन होने पर नए जंतु में मुख आदि का निर्माण भी इस तंत्र के द्वारा किया जाता है। पैरामिसम की मुख आधार से संबंधित संरचनाएं आगे दी गई हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से हम ये इन्फ्रासीलरी तंत्र समझाना था, तो यहाँ पे ये इन्फ्रासीलरी तंत्र क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद में आगे देखना है कि इसमें कुछ मुख खांच पाया जाता है, जो भी बनाए थे यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से मुख खांच भी होता है। अब मुखांच में देखिए कौन कौन सी संरचनाएं होती है। पैरामिसम के चपटे तल पर एक नाली की भांति रचना होती है, जिसे मुखांच कहते हैं, इसको ओरल ग्रुप कहा जाता है या पेरिस्टोम कहा जाता है, इसको हम ओरल ग्रुप कह सकते हैं, ग्रुमल खांच, ओरल मतलब मुख है, और ग्रुमल खांच मुख खांच भी कह सकते हैं, या पेरिस्टोम भी कहा जाता है। ये क्या, पेरिस्टोम है,
ठीक है, मुख खांच है जंतु का, या मुख खांच, मुख खांच की ओर का तल जो होता है वो पार्श्वी अधर तल कहा जाता है, बिल्कुल अधर तल में नहीं होता है। मुख खांच का बिल्कुल अधर में नहीं होता, जो बताया था ये अधर तल है और ये पृष्ठ तल है कहा था, लेकिन जो मुख है वो बिल्कुल अधर तल में नहीं है, कहां पे है, थोड़ा सा हटके है, पार्श्व और अधर तल कह सकते हैं, पार्श्व अधर तल से थोड़ा सा हटके, ठीक है, हाँ इसको हम पार्श्व अधर तल कहेंगे। तो पार्श्वी अधर तल पर यह मुख खांच पाया जाता है। मुख खांच एक सूक्ष्म कोशिका मुख या साइटोसोम द्वारा एक छोटी या कीप जैसी कोशिका ग्रसनी में खुलती है, और कोशिका ग्रसनी आगे अंतःप्रद्रव्य या इंडोप्लाज्म में एक सूक्ष्म खांच जैसी ग्रसिका में या आइसोफोगस फाइबर में खुलती है। देखिए तो ये कीप जैसी संरचना हो गई, इस तरह की संरचना हो गई, कीप जैसी संरचना हो गई, तो मुख खांच हो गया, ऐसे ही कोशिका ग्रसनी हो गई, कोशिका ग्रसनी हो गई, और ये जाकर के कहां खुलता है, इंडोप्लाज्म में, कहां खुलता है, इंडोप्लाज्म में, आखिर में जो है ग्रसिका के माध्यम से ये कोशिका ग्रसनी हो गई है, और ये वाली ग्रसिका हो गई, ये क्या है, ग्रसिका से लास्ट में क्या है, ये ग्रसिका हो गई। कोशिका ग्रसनी में ही क्या पाया था, ये रोमाप जो है लाइन से पाया था, तो क्या बोलते हैं, पेनिक्यूलस बोलते हैं, जो बताए थे, ठीक है। तो कोशिका ग्रसनी के बाद में ग्रसिका, और ग्रसिका जो है जाकर के एक छिद्र के माध्यम से इंडोप्लाज्म में ही खुलती है। तो इस प्रकार से ये इसके मुख खांच की संरचना हो गई, बात क्लियर हो गई, ये ग्रसिका हो गई, ये कोशिका ग्रसनी हो गई, ये मुख खांच हो गया, ये कीप जैसी पूरी संरचना हो गई, और ये जो है ये छिद्र हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही एक और छिद्र पाया जाता है, इसको साइटोप्राप्ट कहते हैं। मुख खांच के पीछे अधर तल की अधर तल पर ही एक अस्थायी छिद्र छोटे समय के बाद बनता है, या थोड़े थोड़े समय के बाद बनता रहता है। जंतु इसी छिद्र के द्वारा समय समय पर जो है खाद्य बाहर निकालता है, कौन सा खाद्य, जो पच नहीं पाता है, जिसको हम कोशिका गुद कहते हैं, या साइटोपाइज कहते हैं, या साइटोप्रॉक्ट कहते हैं, एक ही बात है। कहां पर होता है, मुख खांच के विपरीत दिशा में, मुख खांच के विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा यही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये अस्थायी रूप में बनता है, जो आवश्यकता पड़ती है तभी बनता है, इसीलिए जो है ये, हाँ ये दर्शाया नहीं आता। यहाँ पर एक शब्द पाया जाता है, इसको कहते हैं, इसको चाहे कह लीजिए साइटो प्रॉप्ट कह लीजिए, या साइटो पाइज कह लीजिए, चाहे साइटो प्रॉप्ट कह लीजिए, चाहे साइटो पाइज कह लीजिए, या कोशिका गुद कह लीजिए, एक ही बात है, कोशिका गुद अथवा लिख दीजिए यहाँ पे, अथवा यहाँ पे लिख दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। या साइटोप्राट कर लीजिए, साइटोपाइज कर लीजिए, या कोशिका गुद कर लीजिए, एक ही बात है। इसका कार्य क्या है, ये सिर्फ अपच पदार्थ, बेकार के पदार्थ जो खाद्य धान्य में रह जाते हैं उनको बाहर निकाल देता है, क्योंकि इसकी हर समय आवश्यकता पड़ती नहीं है। और कोशिका कला की तो एक विशेष संरचना बता चुके हैं, कोशिका कला में विशेषता बता चुके हैं कि आवश्यकता पड़ेगी तो टूट भी जाएगा, फिर ये टूट जाएगी, है ये नहीं कि टूट जाए तो बेकार हो गए। तो ये जो है अस्थायी ऐसा होता है, अस्थायी यहाँ पर एक छिद्र पाया जाता है, इसको साइटोपाइज या साइटोप्रॉक्ट कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये मुखी संरचना हो गई, मुख में पाई जाने वाली संरचना हो गई, ठीक है। और ये साइटोसोम हो जाएगा, साइटोसोम का हो जाएगा मुख, मुख का छिद्र, मुखी छिद्र कहेंगे, ठीक है, ये छिद्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इंफ्रासेल्युलर तंत्र की बात क्लियर हो गई, और ये मुख खांच की बात क्लियर हो गई, ये साइटोप्रॉट की बात क्लियर, साइटोप्रॉट क्या होता है, ठीक है, जो कि अस्थायी रूप से छिद्र है ये, और अनावश्यक बेकार के पदार्थ को, जो अपच पदार्थ होते हैं जो पचने से बच जाते हैं, उनको बाहर निकालने का कार्य करता है। उसके बाद में अब आगे नेक्स्ट नंबर होगा पैरामीशियम का कोशिका द्रव्य, मतलब पैरामीशियम का जो कोशिका द्रव्य है उसमें क्या खास बातें हैं। इसके कोशिका द्रव्य को अमीबा की भांति इसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म को में, ठीक है। अब इसके अंदर जो है जो कोशिकांग पाए जाते हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा, ठीक है।